जिस तरीके से चढ़ा और ये खबर का इम्पैक्ट था कि 3 लैब्स में जो यहाँ पर टेस्टिंग हुई है उसमें जो लेड की मात्रा है वो नियंत्रण में पाई गई है और ये पॉजिटिव खबर थी जो नेस्ले को इस समय ड्राइव कर रही है, 6% के आसपास की तेज ऑलरेडी बन चुकी है। अविनाश क्या मानते हैं, बहुत ज्यादा डेंट ऑलरेडी पड़ चुका है, इनफैक्ट मेरे को याद है तो लगभग 450 करोड़ के आसपास की बॉटम लाइन हिट हुई थी मैगी की सेल्स, इनफैक्ट हर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे भी 150 करोड़ का डेंट पड़ रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी को बॉटम लाइन में। क्या मानते हैं नेस्ले के इन लेवल्स पे वैल्यूएशंस के लिहाज से काफी बेहतर काउंटर है, अगर ये मैगी की खबर और अगर यहाँ पर न्यूज फ्लो पॉजिटिव हो जाता है तो क्या रिटर्न्स बहुत पॉजिटिव मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे नेस्ले में? ना आई थिंक रजत, शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली नेस्ले की खबर से तो स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, लेकिन अगर ये एक सही मायने में ऑथेंटिकली प्रूव होती है तो डेफिनेटली और बढ़ने का चांस, मोमेंटम डेफिनेटली स्टॉक में पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जो अर्निंग्स का इम्पैक्ट है रजत, वो आपको शायद दिसंबर के बाद देखने को मिले, क्योंकि मार्केटिंग वापस रीलॉन्च के लिए, प्रोडक्शन के लिए हमको शायद 1-2 महीना वेट करने पड़ेंगे कि उसका इम्पैक्ट आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट पे कैसा देखने लगेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि आने वाले साल में होपफुली जो मैगी का जो लॉस वन टाइम हम कह सकते हुआ है वो FY17 में नहीं होगा और उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट स्टॉक पे पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट ये काफी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नेस्ले के प्रोडक्ट बास्केट में है और करीबन 25% रेवेन्यू यहां से आता था, तो ये डेफिनेटली जो 2-3 क्वार्टर्स जो खराब नेस्ले के लिए गए थे वो डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में डेफिनेटली भरपाई CY17 में देगा। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से स्टॉक में और तेजी पॉसिबल है। आई थिंक क्लियरली मार्केट्स इस बात पे डेफिनेटली और खुश रहेंगे कि दिसंबर की डेडलाइन के पहले ही ये प्रोडक्ट टेस्ट लेबोरेटरी से अभी क्लियर हो चुका है और प्रोडक्ट वापस रिलॉन्च के लिए तैयार है। इस पिच जी